वहीं कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए 52 की जगह 54 विधायकों को वोट करने का आदेश दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसके सारे विधायक एकजुट हैं, फिर भी कहीं कोई चूक न हो जाए इसलिए 2 अतिरिक्त विधायकों को दिग्विजय सिंह को वोट करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अब राज्यसभा की 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस की जीत लगभग पक्की है। इधर एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की मीटिंग से गायब रहने वाले करीब 5 विधायक आज मीटिंग में पहुंच गए, जबकि कुणाल चौधरी कोरोना संक्रमित होने के कारण मीटिंग में नहीं आ पाए। कांग्रेस ने अपने दोनों उम्मीदवारों में से पहली वरीयता दिग्विजय सिंह को दी है, जबकि दूसरी वरीयता फूल सिंह बरैया की है। कांग्रेस के पास कुल विधायकों की संख्या 92 है। राज्यसभा की 1 सीट को जीतने के लिए 52 वोटों की जरूरत है। पार्टी के 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट देंगे, बाकी बचे 38 विधायक फूल सिंह बरैया को वोट करेंगे, जबकि भाजपा के 107 विधायक हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा का समर्थन भी भाजपा को प्राप्त है, यानी भाजपा के पास विधायकों की संख्या 114 हो जाएगी।